नोएडा, जिसका फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक प्लांट शहर है जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। नोएडा भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का एक हिस्सा है। नोएडा शहर का मैनेजमेंट न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा द्वारा किया जाता है, जिस वजह से इस जगह का नाम नोएडा रखा गया है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी नोएडा पहले नंबर पर है। यहाँ के लोग औसतन 6.71 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। दोस्तों, 10.12% GDP के साथ नोएडा उत्तर प्रदेश का नंबर वन शहर है। नोएडा को उत्तर प्रदेश राज्य का गोल्ड माइन कहा जाता है, क्योंकि 10 करोड़ वार्षिक बजट के साथ नोएडा यूपी राज्य में सबसे अमीर है। नोएडा में अगर लोग अपना टैक्स नहीं भी भरेंगे तो भी वे 5 साल तक के खर्च को पूरा कर सकता है। नोएडा को भारत का सबसे हरा भरा शहर माना जाता है। नोएडा शहर ब्रज के सांस्कृतिक क्षेत्र में स्थित है। नोएडा 17 अप्रैल 1976 को प्रशासनिक अस्तित्व में आया और इस वजह से 17 अप्रैल को नोएडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोएडा पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहर के प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक है। नोएडा को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नोएडा प्राधिकरण देश के सबसे अमीर नागरिक निकायों में से एक है। दोस्तों, नोएडा नई दिल्ली से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, जिला मुख्यालय ग्रेटर नोएडा से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और राज्य की राजधानी लखनऊ से 457 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। ये पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी से, उत्तर और उत्तर पश्चिम में दिल्ली शहर से, उत्तर पूर्व में दिल्ली और गाजियाबाद के शहरों से, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में हिंडन नदी से घिरा हुआ है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार नोएडा की जनसंख्या 6,42,381 थी, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या 3,52,577 और महिलाओं की जनसंख्या 2,89,804 थी। नोएडा भारत के सबसे शिक्षित शहरों में से एक है। यहाँ की साक्षरता दर 88.58% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 92.90% और महिला साक्षरता दर 83.28% है। जब भारत के शहरों में स्वच्छता की बात आती है तो नोएडा सबसे स्वच्छ मीडियम आबादी वाले शहरों में से एक में गिना जाता है। और नोएडा में अधिकांश भूमि बहुत उपजाऊ नहीं है और कृषि उत्पादन कम है। ये एक तरफ यमुना नदी और दूसरी तरफ हिंडन नदी के बाढ़ वाले मैदानों में घिरा हुआ है। दोस्तों, नोएडा एक्सप्रेसवे से महामाया फ्लाईओवर से शुरू होकर दोनों तरफ ग्रेटर नोएडा तक कई गांव दिखते हैं। ताज एक्सप्रेसवे का एक सिरा हिंडन नदी के पास नोएडा एक्सप्रेसवे पर और दूसरा आगरा में समाप्त होता है। सुपरनोवा स्पायरा नाम की एक 300 मीटर ऊंची गगनचुंबी इमारत दिल्ली नोएडा सीमा के नोएडा की ओर स्थित है। ये उत्तर भारत का सबसे ऊंचा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बन गया है। पिछले 10 वर्षों में नोएडा माइक्रोसॉफ्ट, आर्म होल्डिंग, HCL, सैमसंग और बार्कलेस जैसी सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप विकास कंपनियों के लिए एक केंद्र बन गया है। ये कंपनियां विदेशी मुद्रा में अपने सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास और सेवा निर्यात के साथ शहर की इकोनॉमी में योगदान दे रही है। सैमसंग ने हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत नोएडा में 50 बिलियन रुपए का निवेश किया है। नोएडा भारत के सबसे बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप पेटीएम का भी घर है। नोएडा मेट्रो और दिल्ली मेट्रो द्वारा रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। दोस्तों, नोएडा हाई स्पीड रेल के माध्यम से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल सहित सड़क मार्ग से पास के रेलवे स्टेशनों पर है।
बात अगर सड़क मार्ग की करें तो मैं आपको बता दूं कि नोएडा में ज़्यादातर सड़कें ग्रिड पैटर्न में बनी हैं और सभी मुख्य सड़कें 6 लेन चौड़ी हैं। नोएडा में 3 मुख्य एक्सप्रेसवे हैं, एक DND फ्लाईवे है जो नोएडा और दिल्ली को जोड़ता है और यमुना नदी के पार चलता है। दूसरा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है जो नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। तीसरा यमुना एक्सप्रेसवे है जो ग्रेटर नोएडा को मथुरा के रास्ते आगरा से जोड़ता है। दोस्तों, नोएडा भारत में सबसे अधिक एलिवेटेड सड़कों और अंडरपास वाला शहर बन गया है। UPS, RTC, DTC और निजी बसें शहर के कुछ मार्गों से चलती हैं। कम दूरी के परिवहन के लिए टैक्सी, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा भी यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। दोस्तों, नोएडा के इतने जल्दी विकसित होने के एक प्रमुख कारण ये भी है कि यहाँ का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस वजह से देश और विदेश के निवेशक यहाँ पर आकर्षित होते हैं। नोएडा का निकटतम हवाई अड्डा दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जून 2017 में केंद्र सरकार ने जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसे नई दिल्ली में मौजूद एक एयरपोर्ट के भीड़ को कम करने के लिए आधिकारिक तौर पर नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। दोस्तों, नोएडा के सेक्टर 35 में मोरना गांव में एक बस स्टैंड है। नई दिल्ली, देहरादून, गाजियाबाद, टप्पल, खैर, हरिगढ़, हाथरस, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और अन्य जैसे आसपास के शहरों के लिए नियमित बसें यहां से मौजूद हैं। दोस्तों, नोएडा खुद को रिटेल इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी तरह से पेश करता है। हजारों पर्यटकों द्वारा कई प्रमुख होटलों, शॉपिंग सेंटरों और प्रकृति पार्कों को विजिट किया जाता है। द ग्रेट इंडिया प्लेस, मॉल ऑफ इंडिया, सब मॉल और स्पाइस वर्ल्ड मॉल सभी की शहर में मजबूत उपस्थिति दर्ज है। दोस्तों, नोएडा न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बल्कि टूरिज्म के मामले में भी लोगों को काफी आकर्षित करता है। नोएडा में इस्कॉन मंदिर, बोटेनिकल गार्डन, ओखला बर्ड सेंचुरी, स्तूप 18 आर्ट गैलरी और श्री जगन्नाथ मंदिर जैसे शानदार दर्शनीय स्थान हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको नोएडा के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताया है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।